अभी यही करना है तुम्हें यार, अंदर कर ले तो याद करके ऐसे ही रोना है तुम्हें। यही पागलपंती चाहिए अभी कैमरे में, समझी? यही पागलपंती चाहिए तुम्हारी जो अभी तुम कर रही हो। यही करना है बेटा, यही करना है। इससे ज्यादा रहने तो नहीं, रहने तो, रहने तो, रहने तो। मत ऑफ करो तुम्हारा परफॉर्म। इससे ज्यादा नहीं करना है बाबू, और तुम बेहतर कर रही हो। एक राधा का जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वही मैं सौम्या के दिल में मैंने देखी। और बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुनिया भले इसको किस भी में लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन उस बच्ची का प्यार जो है मेरे लिए बहुत पाक है, एक रामायण और गीता की तरह। वो लड़की मेरे नाम से ठीक है आज जानी जाती है, बट उतनी हिम्मत किसी के अंदर हो नहीं सकती। एक प्यार करने वाली, एक अपने ऊपर टाइटू बना देने की, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बच्ची ने इतना बड़ा दिल दिखाया एक अपने प्यार के लिए। वो प्यार करती है मुझसे, और प्यार का परिभाषा ये नहीं है कि हाँ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। प्यार की परिभाषा हम अपने बहन से भी करते हैं, वो मेरी बहन की तरह है और मुझे मोहब्बत करती है उस बहन को। देखिए वो मेरे बहन के साथ साथ वो एक एक्टर है। जब हम पर्दे पे आते हैं, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, तो वही रोल वो अदा करती है जो उसको करना है, और वही रोल अदा मैं करता हूँ जो मुझे करना है। और मेरी कोशिश है, पहली बार वो बच्ची काम कर रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उसके उज्जवल भविष्य के लिए, कि वो जो गाना आएगा तो शायद आपको भी पता चलेगा कि पहली बार काम करें, इतना प्यार उस बच्ची को दे दीजिए कि शायद वो बार बार आप सबके बीच में अपने एक्टिंग के माध्यम से आप सबका मनोरंजन कराता है। मतलब जब से आपने उसको वादा किया था तब से उसे लगातार ट्रोल किया जा रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि खेसारी ने फ्लो फ्लो में तो बोल दिया लेकिन काम नहीं देगा, फिर आज आप उसके साथ शूट करें, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बात बताऊँ आपसे, जो नदी में डूबा है ना उसको गहराई का पता होता है, जो डूबा ही नहीं, जो कभी पानी देखा ही नहीं उसको क्या पता है गहराई का मतलब। जो मेरे पास हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकता। मैंने उस बच्ची से वादा किया था तो आपको पता चला ना, आज उसके साथ काम कर रहा हूँ। वो क्या एक्टिंग करती है नहीं करती है मुझे पता नहीं, बट मुझे लगा जब मैंने वादा किया है, और हो सकता है किसी वादे के बदौलत वो बच्ची अपने जीवन में कुछ कर जाए। शायद खेसारी लाल यादव पहली बार मौका दिया, वो बच्ची अगर आगे सीखे, डांस सीखे, एक्टिंग सीखे, तो शायद बेहतर कर सकती है, तो शायद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को या इस इंडस्ट्री को या इस दुनिया को एक और अच्छा आर्टिस्ट मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं लगातार नए लड़कियों के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि कब तक सबको यहाँ दुनिया में नाम कमाने का हक है।